हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी सोच रहे होंगे कितने खास अवसर पर 26 जनवरी के दिन ये लंगड़ा क्या कर रहा है, सोच रहे होंगे ना। मत सोचिए, मत होइए परेशान। अरे चले जाएंगे बहुत दूर, काकड़े दर्द है कुछ अंदर छुपा हुआ, चाहते हैं कि जो दर्द है ना ये आप सभी के सामने बयां कर दें। बड़ी छोटी सी कहानी है हमारी, बड़ी छोटी सी। कभी फौजी हुआ करते थे, फौजी, हाँ फौजी, जो सड़क पर पड़ा रहता है वही फौजी, जिसके लिए देशभक्ति एक पागलपन नहीं है बल्कि देशभक्ति एक जुनून होता है ना, वह फौजी थे। क्या आप जानते हैं हमारी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? आप आप सभी हमारी इस हालत की जिम्मेदार। अब आप हमको सोच रहे होंगे कि हम लंगड़े होने के साथ साथ पागल भी हैं। नहीं नहीं, अरे आप सभी को क्या लेना देना हमारी हालत से। हमारी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी और हम घर पर उनके इकलौते लड़के थे, उनकी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं था। मेरी एक पल में सारी दुनिया उजड़ गई। लेकिन लेकिन आप लोगों की दुनिया भी तो संवारनी है ना। एक फौजी ने क्या खोया और क्या पाया? एक फौजी ने अपने परिवार के साथ दिवाली की मिठाइयां खाई या नहीं खाई? एक फौजी ने अपने परिवार के साथ नया साल बनाया या नहीं बनाया? उससे आप सभी को क्या फर्क पड़ता है? अरे छुट्टियां चल रही थी हमारी और हम घर आ रखे थे, बड़े खुश थे हम। तभी अचानक हमें रेडियो पर खबर सुनी कि हमारे देश भारत पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। मैं ठहरा फौजी, मेरा खून खोल उठा। मैंने ठान लिया कि मैं कल को ही बॉर्डर के लिए जाऊंगा। मैं बॉर्डर पर गया, हमने 20 लोगों के स्थल में 6 लोगों का दस्ता बनाया है, गर्व है मुझे। हम 6 और वो 70, फिर भी हमारा जोश ठंडा नहीं हुआ, हमने हार नहीं मानी, हमने उनके बॉर्डर पर चढ़ाई कर दी। अरे दोस्तों वो बहुत ऊंचाई पर थे और हम बहुत ऊंचाई पर थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अरे हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो कहां छुप छुप के गोलियां बरसा रहे हैं। और मेरे सारे साथी मारे जा चुके थे और मेरे पैर में गोली लगने की वजह से मैं नीचे बेहोश पड़ा था। जाने उन आतंकवादियों ने किस माँ की कोख से जन्म लिया था, उन्हें अभी तक इतनी शर्म नहीं थी। वो इतने गिरे हुए थे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथी नीचे मर रखे हैं। दोस्तों वो बार बार आके फायरिंग कर रहे थे ये देखने के लिए कहीं इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। दोस्तों वो बार बार मेरे कलेजे में मार के देख रहे थे कहीं मेरी सांसें तो नहीं चल रही। लेकिन कहते हैं ना, मुझसे ना घबराए चाहे तो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर है, खुदा होता है। शायद उस दिन मेरे खुदा ने मेरी मौत की लकीरों को मिटा दिया था। शायद उस दिन मेरी भारत माता को मेरा मरना गवारा नहीं था और मैं बच गया। तब मैंने सोचा कि महेंद्र अगर तू अभी तक जिंदा है ना तो जरूर किसी मकसद की वजह से जिंदा है। तब मेरे दिल से आवाज निकली, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और मैं खड़ा हुआ, मैं लड़ा और हम जीते, गर्व है मुझे अपने आप पर और अपने साथियों पर। तो दोस्तों आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप मुझे याद रखे हैं? नहीं, उस फिल्म ने कितना कमाया, उस एक्टर ने कितने ताली करी वो आपको याद है, लेकिन मैं कौन हूँ मैं याद नहीं। आज के युवा जो इसे सुन रहे हैं ना, सोचिए आप देश के भविष्य हैं, सोचिए देश के बारे में, सोचिए। चलता हूँ, नमस्कार।